कुमकुम भाग्य। अभी यार वो आलिया ने तुझे फिर से बहुत बड़ा धोखा दिया। उसने सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम कर लिए और अब वो पेपर्स का रजिस्ट्रेशन करवाने जा रही है। एक्चुअली तुमने मुझे किसी की याद दिला दी, तुम्हारे इन चश्मों ने। मेरा मतलब है तुम इन चश्मों में बहुत अच्छी लगती हो, really suits you. पर सच बताओ तो ये चश्मे मेरी वाइफ पर ज्यादा अच्छी लगती है। ए फुगी, अभी तो मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें इतना मिस करो और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं बाद में बात करती हूँ। अरे अभी बात करो, बताओ इन 24 घंटों में तुमने किया क्या? मुझे तो मिस किया ही होगा। रात को सोई या सपनों में खोई रही? सपना तो देखा ही होगा। सपने में क्या देखा तुमने? मतलब हम लड़ रहे या रोमांस कर रहे? देखिए मैं आज तो ना वो मुहावरा चेंज करना पड़ेगा। फाइल मिली तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। एक बार बस पता चल जाए कि वो दोनों कौन थे, फिर देखना। सच में गाड़ी के नीचे उन्हें कुचलना दिया ना तो मेरा नाम भी आलिया मेरा नहीं। How's this impossible? कैसे हो सकता है? वो फाइल कैसे गायब हो सकती है? राज भैया आपने पेपर सही से चेक तो किए थे ना? आलिया मैंने पेपर्स बहुत अच्छे से चेक किए थे। कल रात को भी मैंने पेपर चेक किए थे, उसके बाद आज सुबह निकलने से पहले मैंने पेपर्स चेक किए। अगर चेक किए थे तो ये फाइल बदली कैसे? इसमें दूसरे पेपर्स आए कैसे? सच में मुझे नहीं पता कि पेपर्स कहाँ गए। तो फिर जो हुआ वो कैसे हुआ? हमने एक मिनट के लिए भी फाइल को इधर से उधर नहीं होने दिया, हमारे आंखों के सामने थी। तो फिर कैसे फाइल बदली और किसने बदली? फाइल किसने बदली ये बाद में सोचना, ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ ये सोचो। राज भैया के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी तुमने, पर राज भैया वो फाइल बाहर लेके गए थे जब आईटी की रेड हुई थी, उसके बाद तो हमने फाइल चेक ही नहीं की, फिर पेपर्स बदले कैसे? तुम्हारा क्या मतलब है कि पेपर्स मेरी वजह से गायब हुए, मेरी वजह से चोरी हुई? जबकि मैं बोल रहा हूँ कि पेपर्स मैंने चेक किए थे। आप कह रहे हैं ना कि आपने पेपर्स चेक किए, हमने तो नहीं देखा आपको चेक करते हुए। एक सेकंड, तुम क्या मुझ पे शक कर रही हो कि मैंने पेपर्स जानबूझ के चुराए हैं या गायब किए हैं? मैं शक नहीं कर रही, मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ जो मैं सोच रही हूँ कि क्या हो सकता है। और वैसे भी आप बोल रहे हैं आपने फाइल बार बार चेक की है, तो फिर कोई तीसरा बंदा कैसे बदल सकता है उसे? तुमको जो भी कहना है ना साफ साफ कहो, घुमा फिरा के मत कहो। ठीक है तो साफ साफ सुनिए, पेपर्स गायब होने के पीछे मुझे आपका हाथ लग रहा है। हद पार कर रही हो तुम, आगे देख रही थी क्या बोल रही है? हाँ वो देख भी रही है और सुन भी रही है, और उसे भी लग रहा है कि मैं सही कह रही हूँ इसलिए वो चुपचाप खड़ी है। तुम अपनी हद पार कर रही हो। मैं हद पार कर रही हूँ? अरे आलिया ने गलती की, उसने आप पे भरोसा किया, अपने बड़े भाई पे भरोसा किया, और उसके बड़े भाई ने क्या किया? उसी को धोखा दिया प्रॉपर्टी की लालच में। हाँ तो लालच तो तुमको भी था ना। मैं भी बोल सकता हूँ कि सारे पेपर्स तुम्हें गायब करवा दिए ताकि सारी प्रॉपर्टी तुम अपने नाम करवा सको। ये दोनों क्या बकवास किए जा रहे हैं, असली कल्प्रिट को ढूंढने की जगह आपस में ही। मेरा इलाका है जानेमन, कहाँ बच कर जाओगी तुम? इलाका आपका है लेकिन दादी ने बोला ना कि कभी भी आ जाओगे। घर वाली के साथ फ्लर्ट करो, कौन से बाहर वाली के साथ फ्लर्ट करो? लेकिन आप बाहर से आए ना तो आप बाहर वाले, और बाहर वाले के साथ मैं रोमांस नहीं कर सकती। अच्छा तो किसके साथ कर सकती हो? अरे कहाँ बच कर जाओगी जानी, और कितना तड़पाओगी तुम मुझे? बहुत मिस किया है मैंने तुम्हें, अब और रुका नहीं जा रहा। अरे सिर्फ बातें, सबूत का है कि आपने मुझे मिस किया? सबूत? मेरे दिल से पूछो जो तुम्हें देखते ही इतनी तेजी से धड़कने लग गए, मेरी आंखों से पूछो जो सिर्फ तुम्हें ही देखे जा रहे, और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? बातें हैं सिर्फ बातें, और बातों से दिल नहीं भरता। अगर मुझे मिस कर रहे थे तो मेरे लिए गिफ्ट क्या लाया बैंगलोर? क्या लाया मतलब, खुद को लेकर आऊं और साथ में गिफ्ट भी लाया हूं मैं। स्पेशल गिफ्ट ऐसे थोड़ी नजर आएगा, अगर तुम्हें स्पेशल गिफ्ट चाहिए तो पास आकर ले लो। आप ना सिर्फ बातें बना रहे, कोई गिफ्ट विफ्ट लाए नहीं। अरे लाया हूं मैं, है ना? लाए हैं तो दीजिए। दे दूं? ये लो। ये कौन? इसने अपने हाथ पे वैक्सिंग भी नहीं कराई, और ये मुंह क्यों छुपा रही है? हमारी बहुओं की सर्दी ना और भी कोई खा रहा है।
अभी तुम यहाँ कब आए? वो बस मैं एक्चुअली देखने आया था कि सर्गी में होता क्या क्या है। ओए, तू क्या यहाँ हमारा मजाक उड़ाने आया है? अरे नहीं दासी, मैं सच में देखना चाहता था कि सर्गी में क्या होता है। अब पता चला कि सर्गी में तो बुफे होता है, इतना खाना तो बड़े बड़े होटलों में नहीं होता है जितनी की यहाँ पर सर्गी में। ओ, अब समझ में आया कि ये सर्गी करके पूरा दिन पत्नी अपने पति के लिए व्रत कैसे रखती है। अरे इतना खाके तो मैं 10 दिन खाना ना खाऊं। तो एक दिन व्रत रख के देख, बच्चों पता चल जाएगा कितनी भूख लगती है और कितनी नहीं लगती। अब देखो दादी, 1 कप खीर, 10 पराठे, कचौरी, मिठाइयां, आलू सब्जी, उसके बाद 4 दिन तक खाना ना खाऊं। तो फिर खा ले सरगी और रख ले व्रत और दिखा दे तो कितनी देर भूखा रह सकता है। अरे नहीं नहीं दादी, इन्हें व्रत रखने के लिए मत कहिए। थोड़ी देर खाना नहीं मिलता तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, मुझे संभालना पड़ता है। व्रत रखने की जरूरत नहीं, मेरे लिए इतनी सुबह सुबह उठ गए ले वही काफी है। ठीक है, तुम्हें व्रत नहीं रखता हूं। हेलो हेलो हेलो, हाँ खाना तो पड़ेगा ना, फेवरेट है मिठाई हमारा। तुम इतना भूल रही हो तो खाना पड़ेगा। लेकिन आलिया चुप चुप के तुम बैठो यहाँ पे और लड्डू खाओ। तुम मुझे खा के बताओ कि तुमने फास्ट नहीं रखा। ये क्या कर रही हो तुम मुन्नी, तुम लड्डू खाओ। परिवार की खुशियों को प्रीति शर्लिन का केक खाने का वीडियो तो हम नहीं बना पाए, लेकिन उसका उससे भी तगड़ा राज हमारे हाथ लग गया है। आज तो हमारी जीत पक्की है। Absolutely, बिल्कुल। आज शर्लिन को रंगे हाथों पकड़ेंगे जब वो उसे मिलने यहाँ आएगा। Yes, yes. मिन्नतों से मिले पर जिंदगी ऐसी मेहरबान, चाहतों के खातिर जो हो जाए यूं कुर्बान। तो इश्क में सभी कुछ जायज अगर कहलाए तो मेरे इश्क को फिर खता क्यों बुलाए। सॉरी भाई, सॉरी लगी तो नहीं, सॉरी है।
महक कैसे जिंदा हो सकती है?